दुनिया का दस्तूर है कि जो इंसान डरता है उसे और ज्यादा डराया जाता है। लेकिन पुष्कर डरने वालों में से नहीं था और इसकी वजह थी उसकी शक्तियां। लेकिन इस बात से अनजान दूसरे लोग पुष्कर को कम समझने लगे थे। कैसे करेगा पुष्कर इस्तेमाल अपनी शक्तियों का दूसरों की मदद करने के लिए? दरवाजे के बाहर से एक आदमी की आवाज आ रही थी। दिवाकर जी, क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि अब आपको मेरे साथ खाना खाने के लिए आने की जरूरत नहीं है? अंकिता, तुम्हें मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अंकिता घबरा गई और पुष्कर की बाह पकड़ ली। ये क्या चल रहा है? दिवाकर की आंखें तेजी से चमकी और उसने उन दोनों को अलग करने के लिए अपने हाथ जोर से बढ़ाए। इससे पहले कि दिवाकर और कुछ करे, पुष्कर ने आगे बढ़कर दिवाकर का हाथ पकड़ लिया। तेरी बहुत हिम्मत बढ़ गई है, आ छोड़, यहां से चले जाओ। पुष्कर ने हल्के से धक्का दिया और दिवाकर कुछ कदम पीछे हटते हुए जमीन पर गिर गया। दिवाकर जल्दी से जमीन से उठ खड़ा हुआ। आई विल बी बैक। दिवाकर ने पुष्कर को घूर कर देखा, पीछे मुड़ा और चला गया। पुष्कर जब कॉलेज के गेट तक पहुंचा तो उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। यह घड़ी मिस्टर महेंद्रू की ओर से गिफ्ट थी और मेहका भी काफी बीमार है। अगर उसके शरीर में जहर अभी तक बचा हुआ है तो यह उसके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। पुष्कर गार्ड रूम में आया और उसने एक बूढ़े व्यक्ति को आराम से बैठे देखा। उसके गले में लटकी आईडी कार्ड पर गहन सिंह लिखा था। पुष्कर ने विनम्रता से कहा, अंकल क्या मैं गार्ड रूम का फोन यूज कर सकता हूं? ये फोन कॉलेज का है और इसे हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम कहां कॉल करना चाहते हो? मैं तुम्हें अपना मोबाइल फोन दे देता हूं, चाहो तो इससे कॉल कर लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर ने सीधे मिस्टर आनंद महेंद्रू का नंबर डायल किया। दूसरी ओर से मिस्टर महेंद्रू उत्साहित हो गए जब उन्होंने सुना कि पुष्कर का फोन आया है। पुष्कर, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे कॉल किया। मुझे लगा था कि तुम गुस्से में हो, इसलिए मैंने कभी तुम्हें मिलने की हिम्मत नहीं की। तुमको पहाड़ों में अकेले छोड़ देना हमारी गलती है। मैं ठीक हूँ। मैंने सुना है कि आपकी पोती बीमार है। पुष्कर, क्या तुम आकर मीका के शरीर से जहर निकाल सकते हो? उसकी कंडीशन थोड़ी सीरियस है। तो आप मुझे लेने के लिए कार भेज दीजिए, मैं घर पर इंतजार करूंगा। गार्ड अंकल अभी भी पास में इंतजार कर रहे थे। उन्होंने चिंता से पूछा, घर पर सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, मुझे फोन देने के लिए धन्यवाद। गार्ड अंकल भी मुस्कुराए, पुष्कर की ओर हाथ हिलाया और उसे सड़क पर सावधान रहने को कहा। गार्ड अंकल अभी गार्ड रूम में लौटे ही थे कि कॉलेज यूनिफॉर्म में एक सुंदर लड़की दूर से आई। दादाजी, इंतजार करते करते आपको भूख लग गई होगी ना? सोनिया, क्या कर रही हो? जल्दी अंदर आओ, बाहर ठंड है। मैं अंदर नहीं आ रही हूं, वरना आपको बाद में उस बदबूदार प्रिंसिपल की डांट सुननी पड़ेगी। तो उससे अच्छा मैं यहीं खड़ी रहूंगी, वो तो कब का वापस जा चुका है। जल्दी अंदर आओ। सोनिया बहुत अच्छे मूड में थी। वो एक अजीब सी धुन गुनगुना रही थी। तुम आजकल यही गाना गुनगुनाती रहती हो, इसका नाम क्या है? क्या यह कोई नया गाना है? यह नया गाना नहीं है, इसे हमारे कॉलेज के एक सीनियर ने गाया था। उसने एक पत्ते को मुंह में रखकर उसे बजा के ऐसी धुन निकाली थी। मैं उसके ठीक बगल में उसके लिए माइक्रोफोन पकड़े हुए थी। ये बोलते ही उसने अचानक अपना गुलाबी पर्स निकाला जिसमें टूटा हुआ पत्ता था। जैसे ही उसने पत्ता देखा, उसके नाजुक सफेद चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। ओ दादाजी, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, मैं आज जल्दी ही लाइन में लग गई थी, और आज तो आपकी पसंद के आइटम्स भी हैं, जल्दी खाओ। आप अभी भी क्या लिख रहे हैं? ओ, वो एक लड़के ने अभी फोन किया, मैं कॉल का समय रिकॉर्ड करना चाहता हूं। ये फोन कंपनी वाले आजकल मनमाने ढंग से पैसे काटते हैं। दादाजी, आपने दोबारा कॉल करने के लिए अपना फोन किसी और को दे दिया। पिछली बार जब एक आदमी ने कॉल किया था तो कॉल 2 घंटे से अधिक समय तक चली थी। क्या आपको याद नहीं है कि आपके कितने पैसे लग गए थे? अरे ये कोई नुकसान सहना थोड़ी है पगली, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि पुष्कर उस तरह का लड़का है। उसने केवल 1 मिनट के लिए फोन कॉल किया था। नुकसान नहीं है तो और क्या है? आपको हर दिन ओवरटाइम करना पड़ता है, क्या होगा अगर? वैसे दादाजी, आपने अभी किसके बारे में बात की? उधर जब पुष्कर मिस्टर महेंद्रू के घर पहुंचा तो मिस्टर आनंद महेंद्रू पहले से दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। पुष्कर जी, आप आ गए। मिस्टर आनंद महेंद्रू पुष्कर को देखते ही उसके पास ऐसे दौड़े जैसे उन्होंने कोई तपस्वी साधु देख लिया हो। मीका कहाँ है? प्लीज कम। दरवाजा खोलकर देखा तो यह शास्त्रीय साहित्य और कला से भरा कमरा है। उनमें से ज्यादातर अलग अलग संगीत इक्विपमेंट है।
मीका इस समय बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो कुछ बोलने या सुनने की स्थिति में नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या इतने समय से बेहोश है? जी हाँ, क्या मीका को कोई खतरनाक जहर दिया गया है? यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं इसे ठीक कर दूंगा। चिंता मत करो पुष्कर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ठीक है, फिर आप सभी बाहर निकल जाएं। जब मैं इलाज कर रहा हूं तो किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। आपको मुझसे वादा करना होगा। पुष्कर दोबारा वो सब नहीं झेलना चाहता था। जरूर। पुष्कर ने मिस्टर महेंद्रू और अन्य लोगों को बाहर जाते देखा। उसने गहरी सांस छोड़ी और मीका के पास चला गया जो आधी बेहोश थी। क्या पुष्कर बचा पाएगा मीका की जान? क्या दिवाकर खड़ी करेगा पुष्कर के लिए नई परेशानियां? क्या गार्ड अंकल पुष्कर की मदद करके कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाले थे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और भूकार के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।